वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी कैन से वी आर गोइंग टू बिगिन द न्यू टॉपिक दैट इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. वी नीड टू नो अबाउट नेशनलिज्म एज वेल एज इम्पीरियलिज्म वेरी क्लियरली टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नेशनलिज्म बेसिकली मीन्स दैट वेन यू टॉकिंग अबाउट योर ओन नेशन, राइट? एंड इम्पीरियलिज्म सिंपली मीन्स वेन यू से दैट योर नेशन इज द बेस्ट and no other nation can compare you. This is called imperialism. In other words, if you want to understand, this simply implies that whenever you are going to expand the territory of your nation, that is simply the sense of imperialism. By the last quarter of the 19th century, no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first century, but became a narrow creed with limited ends. Last quarter aate aate 19th century ka, logon ki jo आइडियलिस्टिक अप्रोच थी किस चीज़ की, लिबरल डेमोक्रेटिक की या फिर हम ये बोलें नेशनलिज्म की, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी. लिमिटेड क्रीड्स रह गई थी, बहुत ही नैरो क्रीड्स थी, कुछ ही लोग सोच रहे थे ऐसा. ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर. इस टाइम के जो जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, दे वर ओनली थिंकिंग अबाउट वॉर्स. वो सिर्फ लड़ाइयों के बारे में सोच रहे थे, नथिंग एल्स दे वर थिंकिंग अबाउट, राइट? द मेजर यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम्स. जब मेजर यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी कोशिश की कि जो नेशनलिस्ट हैं उनको उन्होंने अपने एम के साथ फॉलो करवा दिया. अब अपने एम के साथ उनका खुद का पर्टिकुलर क्या एम था कि कैसे उनकी टेरिटरीज एक्सपेंड हो, कैसे उनकी कंट्रीज जो हैं वो एक्सपेंड करें, नेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाए, तो उसी का फ़ायदा लिया उन्होंने. वेल लेट्स सी क्या हुआ आगे. द मोस्ट सीरियस टेंशन ऑफ नेशनलिस्ट वॉज यूरोप इन बल्कन्स. बल्कन एक एरिया था, कहाँ पर था, ये यूरोप में था, इवन आज भी है हम ये कह सकते हैं, लेकिन अब वो कंट्रीज में डिवाइडेड हो गया जिसमें अलग अलग कंट्रीज आती थी. बेसिकली वो जो एरिया था दैट वॉज अंडर द ओटोमन एम्पायर. ओटोमन एम्पायर का एरिया, तो ओटोमन एम्पायर इज यू नो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ ऑल टाइम, राइट? और 1871 की बात है, बल्कन का जो एरिया था बहुत ज़्यादा टेंस्ड एरिया हो गया था. अब क्यों हो गया था टेंस्ड, पहले तो ये समझ लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज आती थी वहाँ पर, जिसमें आज के टाइम पे जिसको हम रोमानिया बोलते हैं दैट वाज देयर, बल्गेरिया वाज देयर, अल्बेनिया वाज देयर, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटीनेग्रो, हुज इनहेबिटेंट्स वर नोन एज स्लैव्स. उनके इनहेबिटेंट्स को हम क्या बोलते थे, स्लैव्स बोलते थे. वेल, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर. ज़्यादातर जो पार्ट था वो किसके कंट्रोल में था, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. अभी आपको एक्सप्लेन किया था. द स्प्रेड ऑफ दिस आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव. जो नेशनलिस्ट थे और साथ साथ में जो रोमांटिक नेशनलिज्म था, या बल्कन के जो लोग थे बेसिकली, जब उनका इंटीग्रेशन हुआ तो उस वजह से ये हुआ कि जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गया, एक्सप्लोजिव हो गया. ऑल थ्रू दी 19th सेंचुरी द ओटोमन एम्पायर हैड सॉट टू 18 से स्ट्रेंथन इट सेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल फोर्स रिफॉर्म्स, बट विथ वेरी लिटिल सक्सेस. ओटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश की कि कैसे ना कैसे करके ये जो एरिया है, जो बल्कन एरिया है, इसको बहुत अच्छा किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि बेसिकली रिच कंट्रीज आती थी उस टाइम पे भी, जो पावरफुल कंट्रीज थी, थोड़ी थोड़ी हम बोल सकते हैं वो कंट्रीज आती थी, सीनिक व्यू बहुत अच्छे थे, राइट? तो ओटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश की कि कैसे ना कैसे इसको मॉडर्नाइज किया जाए, इंटरनल रिफॉर्म्स किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया. वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. एक एक करके जितने भी नेशनलिस्ट थे, यूरोपियन नेशनलिस्ट, वो इससे ब्रेक अवे होते चले गए और खुद के नए नए नेशंस, या फिर हम ये बोल सकते हैं खुद के नए नए किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए, या फिर स्टेट्स बनाने शुरू कर दिए. हेंस द रिवेलियन नेशनलिस्ट इन द बल्कन थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल एज टू अटेम्प्ट टू विन बैक देयर ओन लॉन्ग इंडिपेंडेंस. इसलिए जो बाकी बचे हुए रीजन थे वो सोचने लगे अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में. एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. जब लोग अपनी नेशनलिटीज़ के बारे में सोचने लगे, उनको अपनी आइडेंटिटीज़ खतरे में लगने लगी, तो जो एरिया बन गया वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का बन गया. रेगुलर वॉर्स होती थी वहाँ पर, लोग अपने आप को इंडिपेंडेंस कराना चाहते थे. ऑल्सो द बल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर. जितनी भी स्टेट्स थी एक दूसरे से बहुत जलती थी और हर दूसरी स्टेट चाहती थी कि उसके पास ज़्यादा टेरिटरी हो कम्पेयर टू द अदर वन. मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, मैटर्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चले गए.
बिकॉज दी बल्कन ऑल्सो बिकेम दी सीन ऑफ बिग पावरफुल राइवलरी. अब बड़ी बड़ी जो राइवलरी कंट्रीज थी वो भी आ गई बल्कन में फाइट करने के लिए. लाइक कौन कौन सी कंट्रीज थी, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ऑस्ट्रिया में आपके हंगरी बोल सकते हैं, वो उनका भी मन चला कि कहीं ना कहीं बल्कन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए इस पर हक जमा लिया जाए. अब ये सीरीज ऑफ वॉर्स रेगुलर जब होती नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, हंगरी, राइट, जर्मनी, इंग्लैंड, तो क्या इटाली, तो क्या हुआ, ये जो एरिया था ये इंटेंस तो ऑलरेडी हो चुका था, रेगुलर वॉर्स होनी थी. फिर ये एरिया लीड कर गया कहाँ पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया, क्योंकि मेजर कंट्रीज आपस में लड़ रही थी. एंड दैट वॉज द एंड ऑफ दी दैट वॉज स्टार्टेड विद दी दैट वॉज एंड विद द स्टार्टिंग ऑफ दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसका अंत कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरुआत होने से, राइट. सो इफ समबडी आस्क यू व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सिंपल रीज़न वॉज द रीजन ऑफ बल्कन्स, राइट. लेट्स मूव ऑन, here we are, the last point. Yes, nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914. Nationalism जब imperialism के साथ मिल गया, national सोचने वाले लोग जब imperial लोगों के साथ मिल गए जिन्होंने अपनी territories बढ़ानी थी, तो वहाँ पर disaster हो गया यूरोप में 1914 में. Meanwhile, many countries in the world which had been colonized by European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. अब जो कंट्रीज थी, जो पावरफुल कंट्रीज थी, राइट, वो इंपीरियल डोमिनेंट को अपोज करने लगी. दी एंटर इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वाज नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंस नेशन एंड वर इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनी नेशनल यूनिटी फोर्स्ड इन कॉन्फ्रंटेशन विद इंपीरियलिज्म. लोगों के सोच में ये भावना आने लगी कि वो इंडिपेंडेंस कैसे होंगे, नेशन स्टेट्स कैसे बनेंगी, वो इंस्पायर्ड होने लगे उन कंट्रीज से जो कि नेशन स्टेट बन चुकी थी. इसलिए उनके मन में आया कि नेशनल यूनिटी का होना ज़रूरी है, अपनी कंट्री के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म. हर तरीके का इंसान हर तरीके के बारे में सोचने लगा, अपनी ओन स्पेसिफिक आइडेंटिटी के बारे में सोचने लगा. बट दी आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट, लेकिन जो आइडिया था कि सोसाइटी एक नेशन स्टेट्स में होनी चाहिए, केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, वो लोगों के दिमाग में अपने आप ही नेचुरली और यूनिवर्सली आने लगी. थैंक यू चिल्ड्रन, दिस इज इट फ्रॉम द वीडियो. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. ट्राई टू रिवाइज ऑल द नोट्स इफ पॉसिबल एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम फ्रॉम द चैप्टर. रिमेंबर दिस दैट यू डोंट हैव टू रीड ऑल द कंप्लीट चैप्टर फ्रॉम द बुक, अदरवाइज यू विल बी कन्फ्यूज्ड. Just try to get through the notes. All the important points I'll provide you later. Till then, try to complete the notes which are left. I'll send that in group. Thank you very much. I'll send that in Google Classroom. Thank you very much.